इंडिया जो बच्चा होता ना उन्होंने सिर्फ दिखता कि मैं एक रोजी पिक्चर लैके कैनेडा चल रहा उत्थे पता नहीं कि दरख्तों से डॉलर लगे ने जो मैं पुट के इंडिया भेजता ना कि सच्चाई है बच्चे की सैटमेंट लैके कि गलत बच्चे खास ख्याल रखना चाहिए बींग स्टूडेंट इंडिया तो उठा काफ़ी फॉर्मा ने र्यूमरस ने फिर सब के कैनेडा च काम नहीं मिलता जॉब नहीं है बच्चे इस टाइम उत्तर अनइंप्लॉयड है कि सच्चाई सत श्रीकाल जी सारे मैं तो अपना सुख चैन राही आर एस ग्लोबल एविएशन जिस यूट्यूब चैनल के माध्यम राही अज असी आए जी पंजाबियों के मनपसंद शहर ब्रैम्पटन के ब्रैम्पटन डाउनटाउन के बीटा कॉलेज सो बीटा कॉलेज जिहड़ा है पिछले काफ़ी लंबे समय तो बच्चों को सर्विस दे रहा पढ़ा रहा उन्हां लई एक वधिया एजुकेशन का प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा सो अज बीटा कॉलेज असी उन्होंने डायरैक्टर मिस्टर कुणाल द्विवेदी नाल तो गलबात कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड मैं सोचा यार क्यों ना बच्चों के रूबरू कुछ गल्लां कीतियां जाण बच्चों को किन्ना गल्लां का ख्याल रखना चाहिए कैनेडा आउंदे समय डूज एंड डोंट्स किहड़ियां गलतियां करके बच्चा इत्थे मुसीबत च फस जांदा जो कि पिछले सुनने आया कि 700 स्टूडेंट्स डिपोर्ट होने के किनारे पहुँच चुके थे बड़ी वड्डी खबर बनी मीडिया के सो अज असी डायरैक्टर बीटा कॉलेज के कोलों कुछ गल्लां करांगे जो बच्चों के फायदे लिए होणगियां उम्मीद करदा वीडियो चंगी लगेगी जिहड़ा स्टूडेंट कैनेडा च पढ़ना चाहुंदा स्पैशली ब्रैम्पटन च पढ़ना चाहुंदा किहड़ी गल्ल दा ख्याल रखे ये वीडियो देखियो जरूर चंगी लगे तो शेयर करो आओ गलबात करते जी सत श्रीकाल जी वैलकम सत श्रीकाल प्लेजर मीटिंग जी सर थैंक यू जी सो कुणाल द्विवेदी जी बड़ा वधिया लगा तुहाडे कोल आके अज बैठे असी ऑफ द रिकॉर्ड गल्लां कर रहे सी सो कुछ एक बातें मुझे ये जानी सबसे पहले कि बीटा कॉलेज कितने साल से बच्चों को सर्व कर रहा है एजुकेशन एंड कौन कौन से प्रोग्राम इस कॉलेज में है वंडरफुल बीटा कॉलेज बिजनेस में पिछले 14 ईयर्स से है 2009 में बीटा कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था उनकी कमेंसमेंट 2009 से हुई है एंड हमारे पास मोर देन 13 प्रोग्राम्स है वी गॉट कोर डिप्लोमा प्रोग्राम्स एंड वी गॉट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स एज वेल हमारा डिप्लोमा इन ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस यूनिवर्सिटी के साथ बैचलर्स डिग्री का बैचलर भी है तो जो बच्चे यहाँ पे एलिजिबल होते हैं 3 ईयर के पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए वो हमारे फर्स्ट स्टेज जो होता है वो बीटा कॉलेज में डिप्लोमा करता है एंड देन सेकंड स्टेज वो इंटरनेशनल बिजनेस यूनिवर्सिटी में अपनी बैचलर्स डिग्री पा सकता है जिससे उनको बैचलर्स डिग्री का बेनिफिट होते हैं और दूसरी बात उनको एक दे गेट एलिजिबल फॉर अ 3 ईयर्स पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट सो जिवें कि बड़ी वधिया गल कीती इन्होंने नॉर्मली मैं कॉलेजेस विजिट करता रहना सो हरेक कॉलेज में 2-3 मैक्सिमम 4 प्रोग्राम होते हैं बिजनेस IT हॉस्पिटैलिटी या कोई सप्लाई चेन मैनेजमेंट बट इस कॉलेज में 14 प्रोग्राम अवेलेबल आ जिन्हें पढ़ के तुम यूनिवर्सिटी पाथ भी लैके कल 3 साल के पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट लैंड के लिए एलिजिबल हो सकते हो कितने कैंपस हैं बीटा कॉलेज के और कहाँ कहाँ कैंपस हमारे 2 कैंपस हैं वी हैव टू कैंपसेस एक कैंपस जो है वो मेन कोर डाउनटाउन ब्रैम्पटन जहाँ पर आप खड़े हैं दूसरा कैंपस है वो कोर डाउनटाउन मिसिसागा में है वो एक हमारा बढ़िया लोकेशन है जो मिसिसागा जो GTA रीजन के स्टूडेंट्स को कैटर करता है और एट द मोमेंट हाउ मेनी स्टूडेंट्स पंजाब के कितने बच्चे आपके पास अभी पढ़ रहे हैं या इंडियन कम्युनिटी कितने स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ रहे हैं Indian community ke around 80% of our students are from India. Wonderful. Your Indian community, sir, majority of the students are from the state of Punjab. Which of course, college agar Brampton jaate, fir Punjabiyan di jo favorite jagah, te the hon jo. So, wonderful ji, Brampton de vich college jaate, fir Punjabi students sab to jada hone, ta badi natural swabhavik gal si. So, ji sir, jo si off the record gal kar rahe si, jo si baithe si, coffee te, ek cheez dekhi sunnu ke bachcha ek ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਪਿਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਬੀਂਗ ਅ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਮ ਆਲਸੋ ਫਰੋਮ ਲਾਸਟ 16 ਈਅਰਸ ਮੈਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਿਖਦਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਟੋਰੋਂਟੋ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਿਖਦਾ ਜਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਰੀ ਦਿਖਦਾ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੀਂਗ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡੂਸ ਡੋਂਟਸ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜੋ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ੀ ਪਿਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲਿਆ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦਰਖਤਾਂ 'ਤੇ ਡਾਲਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜਦਾ ਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੇਕਸ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜੋ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜਦਾ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੀਂਗ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉੱਠ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚੋ ਕੋ ਔਰ ਉਨਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ कि इनिशियल 2-3 साल जो होता है वो हर स्टूडेंट के लिए एक ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट या डेलिकेट पीरियड हम इसको कहते हैं बच्चों को कॉलेज के साथ कोई भी कॉलेज में आप पढ़ते हो वहाँ पर यू हैव टू बी स्टेबल
आप कॉलेज टू कॉलेज शिप जंप नहीं कर सकते, राइट? आप जितना जंप करोगे उतना ही प्रॉब्लम आपके लिए होता है। आपको इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ये बहुत ही ज़रूरी है। द कंट्रीज फर्स्ट लैंग्वेज इज इंग्लिश, तो यहाँ पर आपको इंग्लिश की जानकारी होना, अगर आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हो। मैं तो सबसे प्राइमरी चीज़ यही बताता हूँ सारे स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को, कि आप इंग्लिश में अगर आप यहाँ पर आते हैं, अगर आपको जॉब चाहिए, सबसे पहले स्टूडेंट को जॉब सिक्योरिटी होना ज़रूरी है। तो अगर आपको जॉब करना है, आपको अच्छी नौकरी करनी है, आपको आगे LMIA या परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ जाना है और अपने फ्यूचर को स्टेबलाइज करना है, कैनेडा इज अ ब्रिलियंट कंट्री, बट इंग्लिश इज अ प्राइमरी लैंग्वेज, जो आपको उसके ऊपर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। काफ़ी फॉर्मा ने र्यूमर्स ने त्रिवेदी साहब के कैनेडा च काम नहीं मिलता, जॉब्स नहीं है, बच्चे ऐसा मतलब उसे अनएम्प्लॉयड है, कितनी सच्चाई है? बच्चे तकलीफ तो एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस वक्त पे, एंड इट्स ये कनाडा का ही कंसेप्ट नहीं, ये ग्लोबल फिनोमेना है। यहाँ पर काफ़ी स्लो डाउन है अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका एंड अक्रॉस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट? देयर हैज बीन अ स्ट्रेस इन द इकोनॉमी राइट नाउ। हाउएवर जो स्टूडेंट एलिजिबल है, जो स्टूडेंट कॉन्फिडेंट है, लैंग्वेज के ऊपर उसका कमांड है, उसके लिए राइट पर्सन के लिए राइट जॉब डेफिनेटली अवेलेबल है। देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ जॉब्स, यहाँ पे लेबर की एक्चुअली शॉर्टेज है, लेकिन स्टूडेंट के लिए जॉब भी है, हाँ, बट आई थिंक स्टूडेंट्स को अपना जॉब खुद से ढूंढना चाहिए, रादर देन दे शुडंट बी फॉलिंग प्रे और यू नो टू द न्यूसेंस दैट इज देयर इन द मार्केट। अपने हिसाब से स्कोप के, अपने स्कोप के हिसाब से, अपने स्टेटमेंट के हिसाब से, अपने CV के हिसाब से उनको जॉब मिलता ही मिलता है। वंडरफुल, बहुत वधिया लगा तुहाडा गल करके। मेजर पॉइंट सी कि क्योंकि हुण आने वाले समय च 10 अगस्त तो बाद रूल्स चेंज हो जा रहे हैं, आयल्स तो अलावा PT सेल्पी टोफल ये सारे भी SGS कैटेगरी आ जाएंगे। एंड जिन्ना कि मेरा और त्रिवेदी हुण आपां गल कर रहे सी ऑफ द रिकॉर्ड, सक्सैस रेट थोड़ा घटेगा, आपको लगता है कि 10 अगस्त के बाद थोड़ा सक्सैस रेट कम होगा बिकॉज नंबर ऑफ एप्लीकेशन बढ़ेगा? राइट, सो What happens here is बहुत अच्छा सवाल आपने यूज़ किया, आपने रेज किया है यहाँ पर, एंड उसके ऊपर मैं कहना चाहूँगा कि एप्लीकेशंस की क्वांटिटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली टाइम पीरियड लंबा हो जाएगा प्रोसेसिंग टाइम। एंड आई एम नॉट द राइट पर्सन टू से कि यहाँ पे रिजेक्शन और सक्सेस कितने होंगे, डेफिनेटली देयर विल बी अ स्ट्रेस ऑन द सिस्टम, ऑन द इकोसिस्टम of the resources that the government deploys. So yes, so one has to be, you know, have patience and what I can say is just I wish all the best to all the students, right? Okay. So jodo bhi tusi aapda Canada study visa apply karda dosto, aapde course nu bahut zyada importance di lod hai. Kis subject te base tada program hai? Tade us subject chon percentage kinni hai? Tusi SOP ch ki likh rahe ho? Tusi next year di fees da ki verva explanation visa officer nu de rahe ho? Kyunki aun wale samay ch jivein assi hun gal kar rahe si ki application da number vadhega, jithe application 10 lakh lagdi si saal di, maybe 15 lakh lagge ya 20 lakh lagge. बट वीज़ा कोटा 2.5 to 3 lakh ही रहेगा, वो बद के 6 lakh नहीं हो जाना। अपनी एप्लीकेशन दर्ज करना चाहते हो, एक राइट गाइडेंस चाहते हो, एक ओली सलाह मशवरा चाहते हो जो तुम्हें एक चंगा फ्यूचर दे सके, तो आरएस गोल्ड की टीम नाल जलंधर मोहाली बठिंडा अमृतसर दफ्तर विजिट किया जा सकता। टाइम टू टाइम अपनी वीडियोज़ राही तुम जागरूक अवेयर करने की कोशिश करता रहना। वीडियो किमें लगी साढ़े इस वीडियो में अपने सुझाव फीडबैक जरूर कमेंट रूप दे दो। नई वीडियो लैके फिर जरूर हाजिर होगा, तब तक जो वास्तव सत श्रीकाल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।